खाना भी नहीं मिलेगा तभी भी हम लोग धरना पे बैठेंगे, भूखे रहेंगे तो ऐसे ही बस पानी पी कर जियेंगे, मगर जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। किसी ने काम खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं, लंगरों से भी जो है गुरुद्वारों से भी हमारी मदद हो रही है, तो तमाम लोग सब जगह से मदद नहीं हो रहा, मैं सब करना चाहते हैं, सब मदद करना, क्योंकि हर घर की तो बेटी है ये। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर का जरा माहौल दिखाना चाहते हैं। आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे ये देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर के प्लोथीन में आपको जो पन्नी दिख रहा है, मैं आपको ये हाथ में लेके मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक कटोरा है और इसके अंदर सब्जी है और इसमें कुछ पूड़ियाँ हैं गर्म गर्म है, और अभी ये दिल्ली के जंतर मंतर पर ला के रखा गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पे तमाम कतारबद्ध तरीके से बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। मैं तमाम चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, आप वो हमारे कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से पॉलीथीन के पोटली में बंद करके कई प्लेटों खाना यहाँ रखा गया है। जरा बताइए दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो खाने का प्रबंध किया गया किसके द्वारा किया गया? सर ये किसी के द्वारा नहीं किया गया, किसानों का खाना किसान अपने घर से लेकर आए हैं। गोदी मीडिया वाले चलाएंगे कि ये बाहर से आया है, खालिस्तानी का सिलेंडर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने अपने खेतों से लेकर आए, अपनी मेहनत का, ये खून पसीने की कमाई का खाना है ये। जैसे किसान आंदोलन में किया गया था लंगर, जब चल रहा था कहा किसान आंदोलन में ऐसे ही लंगर की शुरुआत हुई थी, अब इसमें लंगर की शुरुआत हो रही है, एक तरफ पानी का, एक तरफ शरबत का, एक तरफ खाने का। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, भारत के अतीत में जब आप झांकेंगे तो संघर्ष जितने भी बड़े बड़े हुए तो इतने आसान नहीं थे और कम दिन नहीं हुए, बहुत ढाई साल संघर्ष चले, लोगों ने शहादतें दी। ये जगह मैं क्या कह रहा हूँ, ये जगह ज़मीन हमारी ही तो है, तो यहाँ अभी तो आज 18वां दिन है। अगर सरकार वास्तव में हर धर्मिता पर उतरेगी और सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होगी, इनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं होगी, इनको न्याय देने के लिए तैयार नहीं होगी, तो हम वैसा भी निर्णय लेने के लिए हो जाएंगे और मजबूती के साथ बैठेंगे यहाँ पर। अभी तो हम एक टेंट लगा करके सिम्बॉलिक तौर पर बैठे हैं, लेकिन जिस दिन सरकार, अभी क्या है कि अभी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करें, हम लगातार कह रहे हैं कुछ ना कुछ जो है वो करके जो है इनको न्याय दे, दोषी को सजा दे, लेकिन जब सरकार इन सब बातों पर जो है ध्यान नहीं देगी, मजबूरी में हमको जैसा किसान आंदोलन हमने किया था, हमें निर्णय लेना पड़ेगा वैसा। ये जो यहाँ पे डेली ये जो खाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, आज से शुरू की गई या कब से शुरू की गई? नहीं, ये शुरुआत के कुछ दिनों तक नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग निकल करके आए। किसी ने कहा कि हम पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, किसी ने कहा हम खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं, लंगरों से भी जो है गुरुद्वारों से भी हमारी मदद हो रही है, तो तमाम लोग सब जगह से मदद नहीं हो रहा, मैं सब करना चाहते हैं, सब मदद करना, क्योंकि हर घर की तो बेटी है ये। हम आपको और कुछ दिखाने की प्रयास करते हैं, आप ही हम आपको कहेंगे जरा कतारबद्ध तरीके से जो लोग यहाँ खाना खा रहे हैं जरा उस प्लेट में दिखाइए। इस प्लेट में क्या है? इस प्लेट में आपको थोड़ा सा सब्जी दिख रहा होगा और दो चार पूड़ियाँ आपको दिख रही होगी इस प्लेट में। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत टेस्ट अच्छा है, एकदम साफ सुथरा गर्म और क्वालिटी का है, और एक वातावरण जो किसान आंदोलन में बना था वैसा ही वातावरण आज बना हुआ है। ये मतलब हर किसी का क्या कह रहे हैं, खाना भी नहीं मिलेगा तभी भी हम लोग धरना पे बैठेंगे, भूखे रहेंगे तो ऐसे ही बस पानी पी कर जियेंगे, मगर जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। जब तक महिलाओं को, बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम धरना पे लगातार बैठे रहेंगे। आपको तमाम लोग दिख रहे होंगे, आपको कुछ प्लेट में कुछ लोग, तमाम लोग कतारबद्ध तरीके से बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं ये जो लोग को, लेकिन इसका नैरेटिव ये भी सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पे की जा रही है। और हम और कुछ महिलाओं से कैसा लग रहा है सर ये खाना? घर के खाने से तो कहीं डिफरेंट लग रहा होगा। भाई आंदोलन का खाना है, आंदोलन में जो लोग आते हैं वो भूखे पैसे भी आंदोलन करते हैं, किया भी है इन्होंने, लेकिन जब जनता देखती है कि नहीं ये आंदोलन सही है और न्यायपूर्ण है, तो उसके लिए उनको वो भूखा कैसे रहने देंगे। तो लोगों के द्वारा जो भेजा जा रहा है ये एक प्यार भी है, प्रसाद भी है, और ये आंदोलन का भोजन है, हर लिहाज से अच्छा है। खा देते हैं, वो सामने आपको कैमरे में दिख रहा होगा कुछ लोग यहाँ पे पानी और शरबत के बाटले को लेके यहाँ बैठे हैं, और पानी और शरबत भी यहाँ पे लगातार बांटने की जो प्रक्रिया है वो हो रही है, और एक तरह प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। ये कोई एक जगह से नहीं आ रहा पैसा, तमाम लोगों का जो फंडिंग है और सहयोग के द्वारा इसका ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पे ये है इसको शुरुआत की गई है। खैर इसमें आगे क्या होता है तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।